आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडोज 10, विंडो 11 में अपने सिस्टम के ड्राइवर्स को कैसे परफेक्ट तरीके से अपडेट कर सकते हो। इस वाली वीडियो में हम जो मेथड यूज करेंगे, इसमें आपको ऑटोमेटिकली आपके जितने भी ड्राइवर्स उनको वन क्लिक पे अपडेट करेगा, नेट फ्रेमवर्क के जितने भी ड्राइवर्स उनको अपडेट करेगा, वर्चुअल के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ड्राइवर्स आते हैं उनको भी अपडेट करेगा, डायरेक्टएक्स का जो लेटेस्ट अपडेट आया होगा उसको भी जो है वो अपडेट कर देगा। अब ये काम हम सारा बिल्कुल फ्री करने वाले हैं, क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको क्रैक मेंबरशिप देने वाला हूं। कैसे करना है आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको आईएफबी ड्राइवर बूस्टर करके जो है वो डाउनलोड करना है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा। अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो हाउ टू डाउनलोड वाला वीडियो वॉच कर लो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इसका 321। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको एक फोल्डर दिखेगा, इसको लॉन्च करें। यहाँ पर आपको दो फाइल्स दिखेंगी, तो सबसे पहले आपको ड्राइवर बूस्टर को इंस्टॉल करना है। जैसे आपका ड्राइवर बूस्टर आएगा तो मेक श्योर एक चीज करनी है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा तो या तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगा, अगर ये इंस्टॉल होगा तो ये परचेज करने के लिए मांगेगा, तो इसलिए आपने पहले इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करना है। जैसे इंस्टॉल होगा आपको नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करना है, कट कर देना है। अपने टास्क मैनेजर में जाएं, यहाँ पर आपको जितनी भी इसकी बैकग्राउंड में फाइल दिखनी है, जैसे ई स्कैन करके दिख रहा है इसको बंद करो। बंद कर देने के बाद आपको जो क्रैक का फोल्डर दिख रहा है इसको लॉन्च करो। यहाँ पे वर्जन DLL करके होगा, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जो डेस्कटॉप पे आपका ड्राइवर बूस्टर का शॉर्टकट क्रिएट हुआ, राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन में जाओ, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दो एंड हिट कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपका ड्राइवर बूस्टर फुली तौर पे क्रैक्ड हो चुका है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इसको लॉन्च कर लो। जैसे आप इस पे आ जाओगे तो इस तरीके से आपको कुछ देखेगा, आपको मैनेज लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है एंड वन टाइम रिफ्रेश कर देना। तो आपको रिफ्रेश कर दिया, अब आपको यहाँ पर जो है इसकी मेंबरशिप मिल चुकी है। अब आप करेंगे जब आप स्कैन वाले सेक्शन में आएंगे तो आपने अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लेना है। इस तरीके से आप इसको फुली तौर पे जो है वो बाईपास कर देंगे, जिससे होगा कि आप, क्योंकि ये एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर है तो इसको आप फ्री में यूज कर सकते हो ये मेथड यूज करके, और ये सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए। तो आपने करना है जस्ट स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना, या आपके सिस्टम में से जोन जोन सा ड्राइवर, जोन जोन से सॉफ्टवेयर एंड जोन जोन से डायरेक्टएक्स के वर्जन होगा उनको चुन चुन के निकालेगा एंड आपके सामने लाके रख देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ड्राइवर्स आ चुके हैं जो कि मेरे सिस्टम में अपडेट करने की जरूरत है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप इनको सबको अपडेट करना चाहते हैं, सबको टिक करें एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे मेरे एनवीडिया के ड्राइवर्स, हालांकि मैंने इनको अपडेट भी किया था तब भी यहाँ पर अपडेट का मांग रहे हैं। तो यहाँ से आप सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है, दूसरे सॉफ्टवेयर में ये चीजें डिटेक्ट नहीं करता। इसका ये फायदा ये है कि इजीली किसी भी अपडेट को जो है वो डिटेक्ट कर ले। सबसे पहले अपडेट इसमें आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास काफी कुछ आ चुका है, तो इनमें से मैं आपको इसको अपडेट करके दिखा देते। जस्ट अपडेट को अगर क्लिक करें हिट ओके, तो आपको फ्री में सब कुछ अपडेट हो जाएगा। तो जैसे आप इसको करेंगे, यहां पर आपसे पूछेगा कि आपको अपने रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट करना है, तो यहां पर आपने कैंसिल कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में सारे के सारे ड्राइवर्स को अपडेट करना है। तो मैं जो हम अपने सारे ड्राइवर्स को अपडेट कर लेता हूँ, आप भी अपडेट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लोगों को सही सॉफ्टवेयर मिल नहीं पाता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।